Good morning, students. Today, let us understand the question answer of the poem Books. First of all, we shall read the comprehension, and from this comprehension line, there is a question, and then it is answer. तो students, आप देख रहे होंगे सबसे पहले क्या है comprehension, यानी poem में से line दी गई है, उन line में से question है और उस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज सॉरी द रूम वी सिट इन मेल्ट्स अवे, यानी जिस रूम में हम बैठते हैं रीडिंग करते हुए वो डिसअपियर हो जाता है, मतलब कि गायब हो जाता है. व्हाई डज द रूम मेल्ट्स अवे, जो रूम है वो डिसअपियर क्यों हो जाता है. द रूम मेल्ट्स अवे, रूम गायब हो जाता है. बिकॉज व्हेन वी रीड अ बुक, क्योंकि जब हम बुक पढ़ते हैं वी फॉरगेट एवरीथिंग अराउंड अस, हम अपने इर्द गिर्द की हर चीज़ को भूल जाते हैं. नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन, एंड वी फाइंड अवर सेल्स एट प्ले, और जब हम रीडिंग करते हैं तो हम खुद को इंजॉय फील करते हैं जैसे खेल में करते हैं. विद समवन हु बिफोर द एंड, और समवन का मतलब जिस कैरेक्टर के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं. बिफोर द एंड का मतलब शीघ्र, सून, जल्दी ही. मे बिकम अवर चूजन फ्रेंड, वो हमारा बेस्ट फ्रेंड बन जाता है. वेयर डज द चूजन फ्रेंड कम फ्रॉम, यानी जो मित्र बन जाता है कैरेक्टर वो कहाँ से आता है. द फ्रेंड इज अ कैरेक्टर फ्रॉम द बुक दैट सीम्स टू कम अलाइव, यानी जो कैरेक्टर हमारा दोस्त बन जाता है बुक में से, दैट सीम्स, वो ऐसा प्रतीत होता है टू कम अलाइव, जैसे कि वो हमारे सामने जीता जागता हो. हाउ डज दिस पर्सन और थिंग बिकम अ स्पेशल फ्रेंड, हाउ डज दिस पर्सन और थिंग बिकम अ स्पेशल फ्रेंड, जो ये पर्सन या फिर कोई चीज जिसके बारे में पढ़ रहे होते हैं वो हमारा स्पेशल फ्रेंड क्यों बन जाता है. व्हाइल रीडिंग द स्टोरी द रीडर बिगिन्स टू लाइक द कैरेक्टर सो मच दैट दिस पर्सन बिकम्स हिज स्पेशल फ्रेंड. व्हाइल रीडिंग द स्टोरी, स्टोरी पढ़ते हुए जो रीडर है बिगिन्स टू लाइक द कैरेक्टर, जिस कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहा होता है उसको पसंद करने लगता है. सो मच दैट, इतना ज़्यादा कि दिस पर्सन बिकम्स हिज स्पेशल फ्रेंड, कि वह व्यक्ति उसका स्पेशल फ्रेंड बन जाता है. क्वेश्चन थ्री सॉरी कंप्रिहेंशन थ्री, और वी सेल अलोंग द पेज, यानी पेज के साथ हम सेल करते हैं, मूवमेंट करते हैं बिल्कुल सॉफ्टली, हम जैसे कि पेज को पेज पलट के आगे बढ़ते हैं तो ऐसे ही ऐसा लगता है जैसे कि हम किसी वंडरफुल वर्ल्ड में जा रहे हैं. टू सम अदर लैंड और एज, किसी दूसरे लैंड या किसी दूसरे युग में मानो हम प्रवेश कर रहे हैं. वट इज़ द फीलिंग कन्वेड व्हेन द स्पीकर यूज द वर्ड सेल, जब पोएट सेल वर्ड को यूज करता है तो कैसी फीलिंग कन्वे की गई है. द फीलिंग वी गेट व्हेन वी रीड द वर्ड सेल, जब हम सेल वर्ड को पढ़ते हैं तो जिस फीलिंग को हम पाते हैं इज अ फीलिंग ऑफ सॉफ्ट एंड जेंटल मोमेंट, तो वो फीलिंग जो है सॉफ्ट और जेंटल मोमेंट, यानी जैसे हम बहुत ही सॉफ्टली जेंटली बिल्कुल विनम्रता से मूवमेंट कर रहे हैं, गति कर रहे हैं. व्हेन वी रीड अ बुक, जब हम एक बुक को पढ़ते हैं वी गेट ट्रांसपोर्टेड इनटू अदर एज, तो हम खुद को एक दूसरे युग में जाया हुआ पाते हैं और लैंड या फिर दूसरी भूमि पर चले जाते हैं ईजीली, आसानी से. हियर इज अवर बॉडी, देखो यहाँ पे हियर लिखा है अपोस्ट्रोफी एस, इट मीन्स हियर इज अवर बॉडी इन द चेयर, चेयर पर हमारी बॉडी रह जाती है. बट अवर माइंड इज ओवर देयर, लेकिन हमारा माइंड जो है वो गायब हो चुका होता है. तो इसमें से क्वेश्चन बना है, फर्स्ट वेयर इज द माइंड एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर जो माइंड है वो कहाँ है, यानी
जब पोएट ये बात कर रहा है पढ़ते हुए, मतलब कि हमारा दिमाग जो है कहाँ चला जाता है, द माइंड इज लॉस्ट इन बुक, जो माइंड है पढ़ते हुए वो बुक में खो जाता है। व्हाई इज देयर अ डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी एंड माइंड, बॉडी और माइंड के बीच में डिस्टेंस क्यों है। द बॉडी इज इन द चेयर, हमारा जो बॉडी है वो तो चेयर पर है, बट द माइंड हैज़ गोन टू अनदर वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, लेकिन जो माइंड है वो दूसरे वर्ल्ड में जा चुका होता है और वो वर्ल्ड है इमेजिनेशन, कल्पना का वर्ल्ड, मतलब कि हम जो सोच रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं वहीं पे चले जाते हैं। व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग इज दिस, ये किस तरह की फीलिंग है, डज इट मेक यू फील अनकम्फर्टेबल और हैप्पी, मतलब कि जो पढ़ते हुए हम जो दूसरे वर्ल्ड में चले जाते हैं वो कैसी फीलिंग है, और क्या ये फीलिंग हमारे लिए कंफर्टेबल है, आरामदायक है, हमें खुश करती है या नहीं करती है। दिस इज़ अ ड्रीमिंग फीलिंग, मतलब कि जब हम पढ़ते हुए सपनों की पढ़ते हैं तो हम कैसा फीलिंग होता है, ड्रीमिंग, मतलब मानो हम सपने में खो गए हैं, कैसी फीलिंग होती है, इट इज़ अ ड्रीमिंग फीलिंग एंड ऑल बुक्स लवर इन्जॉय दिस फीलिंग, और जो भी बुक्स के प्रेमी होते हैं इस फीलिंग को इन्जॉय करते हैं। इट मेक्स अस हैप्पी, ये हमें खुश कर देती है, यानी जो फीलिंग है हमें खुशी प्रदान करती है। कॉम्प्रिहेंशन 5, ईच बुक इज अ मैजिक बॉक्स, हर एक बुक एक मैजिक बॉक्स की तरह है। व्हाई डज द पोएट रेफर टू अ बुक एज अ मैजिक बॉक्स, जो स्पीकर है वो बुक को मैजिक बॉक्स क्यों कहता है। द बुक टेक्स द रीडर इन टू द वंडरफुल वर्ल्ड, जो बुक है वो रीडर को एक वंडरफुल वर्ल्ड में ले जाती है ऑफ एक्साइटिंग इवेंट्स, जिसमें कि जो बहुत ही हैरान कर देने वाली घटनाएं होती हैं। सो इट इज़ कॉल्ड अ मैजिक बॉक्स, इसीलिए इसको मैजिक बॉक्स नाम दिया गया है। स्टूडेंट्स राइट दिस क्वेश्चन इन योर फेयर नोटबुक नीटली एंड क्लीनली। थैंक यू।